बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर टू का जो टेस्ट है ये देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर। इनमें से कौन सा स्केलर नहीं है? तो जो वेक्टर होगा वो स्केलर नहीं होगा। कौन वेक्टर है? फोर्स वेक्टर। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेम नेगेटिव साइन विद अ वेक्टर इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द वेक्टर थ्रू एन एंगल ऑफ 180। अ वेक्टर सी इज डिवाइडेड बाय -2। ये तो शायद नोट्स में भी था, नहीं? न्यू वेक्टर क्या होगा? माइनस से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड से वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और नेगेटिव से क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और टू से डिवाइड किया तो हाफ हो जाएगा। तो ये आखिरी ऑप्शन में दिया भाई, मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ सी बट डायरेक्शन अपोजिट टू सी। ये वो कह रहा है ना, माइनस सी डिवाइडेड बाय -2। माइनस से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, टू से मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। फिफ्थ में कहता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। अगेन यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो 3i + 4j का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का, हाँ 5 हो जाएगा। तो 3i + 4j / 5। सिक्स में कहता है वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड 10 N इज एक्टिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक वेक्टर 10 N का है और वो एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। जब वेक्टर एक्स में है तो वाई होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल थीटा बिटवीन टू वैक्टर्स वैन टेकिंग दियर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में, मैंने अब कहा था एंगल क्या होता है, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने समझाया था जब मैंने पहली दफ़ा आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था वीडियो लेक्चर्स में। एंगल जो है स्मॉलर एंगल हम लेते हैं वेक्टर्स के दरमियान का स्मॉलर एंगल लेते हैं। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, एंगल कुछ भी बन सकता है। जब भी दो लाइनें मिलती हैं तो दो एंगल बनते हैं, ठीक है ना? एक हम तो ये वाला एंगल लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर है, लेकिन एक एंगल ये भी तो है। ठीक है, अभी ये वाला एंगल तो 90 भी नहीं है, इधर होता तो 90 होता। और ये वाला एंगल क्या है? ये लाइन पूरी अगर इधर जाएगी तो ये 180 होगा, तो ये वाला तो 180 से बड़ा है। अगर वेक्टर्स ऐसे हो जाएं, अगेन अब भी ये एंगल छोटा है, 180 से छोटा है, ये 180 से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर दोनों अपोजिट हो जाएं, अब दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर से भी 180 इधर से भी, अब तो कोई भी ले लो छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन अगर ये इधर चला गया और ये इधर चला गया बी, अब क्या होगा? अब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो अब आप ये वाला एंगल लेंगे, ऊपर वाला एंगल नहीं लेंगे। अब नीचे वाला 180 से छोटा है ऊपर वाला 180 से, तो ऑटोमेटिकली जब आप कहते हैं ये स्मॉलर एंगल है तो वो 180 से छोटा होगा, 180 से बड़ा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दो लाइनों के दरमियान छोटे एंगल की क्या है? 180 है। एक्चुअल में दोनों बराबर ही होता है ना, कोई छोटा ना कोई
इस केस में ऊपर वाला एंगल बड़ा होगा छोटा होगा 180 से, और इस केस में नीचे वाला, तो ये वाला 180 से ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा। तो स्मॉलर एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल 180 हो, एंगल क्या हो 180। अब इसको मैथ में लिखने के तरीके होते हैं, जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180, यानी थीटा की रेंज जीरो से 180 होगी। थीटा आप जो भी लोगे वो 180 से छोटा होगा और जीरो उस थीटा से छोटा होगा। देखिए इस पोर्शन को देखें, जीरो लेस देन थीटा है, और ये क्या मतलब है, इक्वल भी हो सकता है। तो थीटा अगर मैं जीरो ले लूँ तो जीरो इज इक्वल टू थीटा, थीटा अगर मैं वन ले लूँ तो वन इज लेस देन थीटा, ठीक है, सॉरी जीरो इज लेस देन वन, थीटा टू ले लूँ तो जीरो इज लेस देन टू, समझ रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि थीटा जो होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए या छोटा। जैसे हम 2 ले रहे हैं तो 180 से छोटा है ना, 3 ले रहे हैं 180 से छोटा है, 180 ले लूँगा तो बराबर हो जाएगा, 181 लूँगा तो फिर नहीं होगा। थीटा जब मैंने 181 ले लिया, 181 इज़ नॉट इक्वल टू और लेस देन 180। तो ये एक लिखने का तरीका है कि एंगल ज़ीरो से क्या है, क्या है भाई, ज़ीरो से 180 तक है, ज़ीरो से। इसी तरह इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2π माइनस थीटा। बहरहाल ये सारी बातें कही हुई हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ देम। आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम। आठवें में कहता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ऑप्शन ए। नवा, टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर्स अगर एक्स वाई में होंगे तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, जेड एक्सिस में होगा। क्या किया यार, दसवें में क्या कह रहे हैं, ये रह गया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई डॉट आई क्रॉस जे, आई डॉट आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस I क्रॉस J K होगा, सही कह रहे हैं। तो I क्रॉस J K हो जाएगा, तो हो जाएगा I डॉट K, I डॉट K क्या होगा, ज़ीरो। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो। 12 में कहता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज, A और B का जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, A के पर पंडिकुलर होता है, B के होता है, दोनों के होता है, या A के पर, दोनों के पर पंडिकुलर होते हैं ना, प्लेन के, जब प्लेन के पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के पर परपेंडिकुलर है। टू वेक्टर्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक व्हेन दे आर एट, कहते दो वेक्टर्स को आप ऐड या माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली, क्या हो जब वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल हो तो जमा कर देंगे, एंटी पैरेलल हो तो माइनस कर देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी बराबर है माइनस ऑफ बी है। आप इस डायरेक्शन में गए ए से बी और जब वापस आए बी से ए, तो ये पॉजिटिव वेक्टर होगा, ये नेगेटिव होगा। ए से बी और बी से, तभी डायरेक्शन चेंज होगी ना, ए टू बी बराबर होगा माइनस बी टू ए। अ पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक बंदा एक्स एक्सिस में गया 5 मीटर, देन रिवर्सेस इज डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। एक्स में गया 5 मीटर, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और 2 मीटर वापस आ गया, तो जब वो 2 मीटर आ गया तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है वो, 3 मीटर। इसका मतलब एक्स में वो कितना गया, 3 मीटर, अभी यहाँ वापस आ गया वो ना। एंड देन टर्न अलॉन्ग वाई एक्सिस, और फिर वो वाई में चलने लग गया, ठीक है, 6 मीटर। तो इट्स पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसका, तो एक्स में कितना डिस्टेंस हो गया 3 और वाई में कितना हो गया 6, 3i + 6j। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3, किसका मैग्नीट्यूड √3 होगा, फर्स्ट का होगा ना, तीनों i - j + i के साथ भी 1, j के साथ भी 1, k के साथ भी, तो √3 हो जाएगा। ये उतारने भाई i, आप इसका मैग्नीट्यूड लेना, i के साथ क्या है 1, j के साथ क्या है -1, k के साथ क्या है, तो स्क्वायर चाहे माइनस का लें प्लस का लें वही आएगा 1 + 1 + तो क्या होगी √3, ठीक है, मिटा दूं। सेवनटीन में कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए का, वेक्टर ए के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। Suppose two vectors A and B are perpendicular to each other, then which one is correct? Perpendicular का मतलब है एंगल 90 है, 90 पे A dot B 0 हो जाता है, ठीक है ना, cos 90 0 होता है। Choose the correct statement, J dot J 0 होता है, नहीं, I dot J 1 होता है, आई डॉट जे वन होता है, होता है, आप लोगों की आवाज़ ही नहीं निकल रही है, अभी पेपर दूर हैं, अभी डेट नहीं आई है। आई क्रॉस जे माइनस के होगा, नहीं वो तो के होगा, तो जे डॉट जे क्या है 1। आप लोग बेजार क्यों हैं आज, टेस्ट दिया या देना है, नहीं देना फिर टेंशन ली हुई है क्यों, आ जा 20 है, डॉट प्रोडक्ट निकालें i + 2j + 3 के, डॉट i - 3j - k, या 1 या भी 1, 2 - 3
और 3 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 और 1 क्या हो गया माइनस 8। 21 में क्या था, a डॉट b इज जीरो एंड a क्रॉस b जीरो, देन b इज नल वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो। A वेक्टर a अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, a वेक्टर a इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, एक वेक्टर x एक्सिस में अगेन पॉजिटिव राइट साइड पे, इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद वेक्टर b जीरो, b के साथ इसका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है, a क्रॉस b जीरो है, तो b कोड भी b क्या हो सकता है, क्योंकि i क्रॉस i जीरो होगा ना, सही है, तो ऐसा वेक्टर जिसमें i यूनिट वेक्टर होगा, a वेक्टर भी x एक्सिस में और a वेक्टर में भी i यूनिट वेक्टर होगा, अगर b वेक्टर i यूनिट वेक्टर वाला होगा तो i क्रॉस i क्या हो जाएगा जीरो, और i वाला कौन सा है, पहले वाला 4i। If the direction of one of the two vectors in cross product is reverse, then the direction of the product vector change हो जाती है ना, याद है, याद है कि नहीं है, याद, ये a और ये b है, a से b क्या है out of plane, अब अगर मैं b की direction change कर दूँ, b इधर आ जाए तो ये minus b हो गया, अब एंगल हम ये वाला लेंगे, फिर क्या होगा, फिर भी आउट ऑफ द प्लेन आएगा, लेकिन अगर b से a में चलूंगा फिर क्या होगा, इन टू द प्लेन होगा, ठीक है, माइनस b क्रॉस a क्या होगा, If the direction of one of the two vectors in cross product is reverse, हमने तो बोला था a क्रॉस b बराबर था माइनस b क्रॉस a के ना, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं होगी, नहीं होगी ना, रिमेन्स द सेम, अगर दोनों चेंज हो जाए a क्रॉस b क्या है आउट ऑफ द, तो हमें a क्रॉस माइनस b निकालना है, a क्रॉस माइनस b थोड़ी है, वो कह रहे हैं आपने निकालना वेक्टर प्रोडक्ट वही है लेकिन एक की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो a क्रॉस b के लिए ये एंगल लेंगे माइनस b के लिए, तो a क्रॉस माइनस b क्या हो जाएगा इन टू द प्लेन, ठीक है, a क्रॉस b आउट, a क्रॉस माइनस b इन टू द, तो 180 डिग्री का फर्क हो गया ना, इसका फर्क हो गया 180 डिग्री का, चेंज बाय ट्वेंटी फोर, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट जीरो एंड बी इज नॉट जीरो, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इज नोन एज, क्या ये फ्री वेक्टर, इफ ए इज ए एंड बी इज बी जे, देन ए क्रॉस बी, ये तो हम देख चुके हैं पहले भी, क्या होगा ए बी के, वेक्टर ए
बराबर है आई माइनस पी जे प्लस थ्री के एंड बी बराबर है आर पर पंडिकुलर टू ईच अदर फॉर पी। ये भी मेरे ख्याल नोट्स में था, नहीं था? नहीं था। ए डॉट बी जीरो होता है ना पर पंडिकुलर के लिए, ए डॉट बी क्या होता है? तो ए में आई के साथ क्या है? वन, और बी में आई के साथ क्या है? थ्री, प्लस ए में आई के साथ क्या है? माइनस पी, बी में आई के साथ क्या है? थ्री, फिर ए में सॉरी जे के साथ, ए में जे के साथ पी है माइनस में, और बी में थ्री है, और के में दो, एक में थ्री है दूसरे में माइनस फोर है ना, ये ज़ीरो होना चाहिए। थ्री वन ज़ार थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री पी, माइनस ट्वेल्व इजिकल टू ज़ीरो। हमें पी चाहिए, ठीक है। तो थ्री माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा? थ्री में से ट्वेल्व माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस नाइन हो जाएगा, और थ्री पी इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस थ्री पी। तो थ्री माइनस ट्वेल्व क्या हो गया? माइनस नाइन। थ्री पी इधर आके प्लस थ्री पी हो गया, तो पी क्या हो जाएगा? माइनस नाइन अपॉन थ्री, तो पी क्या हो गया? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे भी कर लो भाई, ठीक है। पी क्या आएगा? माइनस थ्री। जो मैथ आपको आती है ना उस मैथ से कर लो। थ्री पी को मैं इधर ले गया, प्लस थ्री पी हो गया, तीन में से बाहर आ गया, माइनस नौ बचा, ठीक है। ट्वेंटी एट, बी बराबर है वन अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय ए। बात वही है कि वन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या क्या मतलब होगा? ए अपॉन एन, ए वेक्टर एन से डिवाइड हो रहा है। आप कह रहे हैं इफ एन इज लेस देन वन, एन की वैल्यू वन से छोटी हो जाए, एन की वैल्यू वन से, मिसाल ले लो ना, ए अगर टेन है और एन 0.5 है तो बी क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 0.5 क्या हो जाएगा? 20, सही ना। अपॉन में अगर वैल्यू पॉइंट में होगी फिर तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो अब पूछ क्या रहा है? ए बराबर है बी? नहीं, ए इज लेस देन बी, यही आंसर है, ठीक है। ट्वेंटी नाइन, ए वेक्टर पी इज पैरेलल टू आर, देन पी अगर आर के पैरेलल हो जाए तो पैरेलल में एंगल क्या होता है? ज़ीरो। पी डॉट आर बराबर होगा पी आर कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा? वन। पी डॉट आर बराबर है पी आर, ये सही है, और पी क्रॉस आर भी क्या होगा? ज़ीरो, एंगल ज़ीरो ना, तो दोनों सही होगा, बोथ ऑफ। क्वान्टिटीज विच कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल अलजबरिक रूल्स आर, जिन पे आप अलजबरा लगाते हैं, कोई ख़ास रूल नहीं है, वो स्केलर्स है ना, है ना। तीन किलोग्राम जमा तीन किलोग्राम छः किलोग्राम ही होगा, ठीक है ना। वेक्टर में ऐसा नहीं है। इफ़ टू वैक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दो वैक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, एंगल 180 डिग्री है, देयर स्केलर प्रोडक्ट, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 180, कॉस 180 क्या हो जाएगा? माइनस वन। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा माइनस ए बी, तो क्या कौन सा ऑप्शन है फिर? नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। Which of the following group of quantities represent the vectors? Vector कौन से हैं? तीन quantities हैं, velocity, force and momentum. Scalar product is obtained when? Scalar product कब हासिल होता है? जब स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टू गिव अ स्केलर।
इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज जीरो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड. डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब एंगल 90 होगा. जब एंगल 90 हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए बी. ये शायद नोट्स में भी था. 35, ये भी वही सवाल है. दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 और 6 है और उनके एंगल 120 और 150 हैं. 120 और 150 तो उनके एंगल हैं, तो दरमियान का एंगल क्या हो जाएगा? 30. तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 5 × 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 30. सही है. 5 × 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 क्या हो जाएगा? 15. ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह दी एंड.